हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साईं कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस पुस्त होंगे, खुश खुशहाल होंगे। आज सप्तमी है, सप्तमी कल षष्ठी था ना, सप्तमी है तो आज से नहीं, षष्ठी से शायद माता दुर्गा का पट खुल जाता है, शायद कि सप्तमी में खुलता है, हम इसमें कन्फ्यूज हो गए। शायद आज खुलेगा, आज से माता दुर्गा जी का स्वरूप देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ झांकी लगती है हमारे मायके साइड में, बंगाल साइड में। आज हम बिहार विकास के शाम को बिहार विकास में माता दुर्गा जी का स्वरूप रखा जाता है तो वहाँ जाएंगे दर्शन करने, तो वहाँ का वीडियो लेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। आज भी 9 बजे सो के उठे हैं। कितने बजे कल सोए पता है? कल हम आ गए थे जल्दी, 1:30 बजे कल हम आ गए थे घर पे, लेकिन ये सब बाजा जो बज रहा था जोर जोर से, गरबा ये सब, तो उसमें नींद नहीं आया। मतलब कि डांडिया स्टार्ट हुआ तभी हम घर आए थे हमको, लेकिन सोते सोते 3:30 बज गया, नींद ही नहीं हो रहा था। नींद बहुत चढ़ा था लेकिन सोने का तो नींद ही नहीं हो रहा था, करवट ही लिए जा रहे थे। चलिए अभी तो हम गर्म पानी पी रहे हैं और आज मौसम एकदम बादल किया हुआ है। बैक कैमरा आपको दिखाते हैं, बादल बादल है और एकदम माइल्ड ठंडा हवा चल रहा है। सुबह ही हवा चलता है, रात को हवा पता ही नहीं चलता है। रात को इतनी गर्मी लगती है कि क्या बताएं। देखिए ऊपर एकदम बादल छाया हुआ है और पत्ते तो हिल रहे हैं, जो हल्के हल्के पत्ते हैं वही हिल रहे हैं, माइल्ड माइल्ड हवा पता चल रहा है। ये वाला देखिए एकदम हल्का हल्का हिल रहा है, एकदम हल्का हिल रहा है, मतलब ठंडा का एहसास हो रहा है। देखिए चल रहा है ना, हिल रहा है ना, हवा चल रहा है तो ठंडक का महसूस हो रहा है, लेकिन रात को इतनी गर्मी लगती है क्या बताएं। चलिए चाय बन गया होगा मेरा, चाय पीते हैं। चलिए चाय खोल गया, कड़क चाय छानते हैं, पीते हैं, फिर आगे का क्या काम है वो करते हैं। चलिए आइए गर्मा गर्म चाय पीने, अदरक और मसाला वाला, मिलते हैं चाय पीने के बाद। चलिए गर्मा गर्म चाय पिए, उसके बाद आगे का काम करें। मौसम को देखते हुए मोटा कपड़ा आज नहीं धो सकते हैं, सोचा था आज दूसरा चादर धोएंगे। चलिए फ्रेंच बीन्स और आलू की सब्जी बना रहे हैं, इसको अभी फ्राई कर रहे हैं, अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद टमाटर बारीक बारीक काट के डाल देंगे, फिर मसाला करके सौते करके बन जाएगा थोड़ा लटपटा सा सब्जी। चलिए आटा तैयार करें, आटा तैयार करना बाकी है, बाहर का ऐसे ही हालत है। चलिए आटा तैयार कर लेते हैं और मेरा यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे डस्टिंग हो गया है, डस्टिंग करके सब सोफ़ा ठीक कर दिए हैं। चलो आगे का काम करें, फिर रूम सब ठीक करें। चलिए फ्रेंड्स हम नहा लिए हैं, पूजा हो गया है मेरा, और क्या हो रहा है? तू टेंशन मत ले, वायरल फीवर है तेरे हस्बैंड को। हाँ तो कोई नहीं, वायरल फीवर है, अभी सबको हो रहा है वायरल फीवर, इसलिए तू टेंशन मत ले, दवाई लेके आएगी ना ठीक हो जाएगा। अभी देख रही है ना, अभी आज बादल हो गया है, 4 दिन धूप फिर बादल, वो तो होता है, तू टेंशन मत ले। चलिए हम खाने बैठते हैं, उससे पहले मेरा बेटा के लिए पास्ता बॉईल कर रहे हैं, वो बॉईल करके निकाल देते हैं, उसके बाद हम खाने बैठते हैं। पास्ता आज वो खाएगा, थोड़ा ही सा पास्ता था तो जितना पास्ता है बना देते हैं। सो के उठेगा, अभी तो सो ही रहा है, उसको नींद में ही पूछ लिया कि पास्ता खाएगा, तो उसके लिए पास्ता बना देते हैं।
जब पास्ता का पानी बॉईल कर रहे थे पास्ता डालने से पहले उसमें दो टमाटर कट करके डाल दिए, वो भी अच्छे से बॉईल हो गया। अब पास्ता थोड़ी देर बाद निकाल देंगे, नमक और तेल डाल के इसे बॉईल कर रहे हैं और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये उठेगा मेरा बेटा सो के तब गर्म गर्म बनाएंगे। चलिए ये कर लें, उसके बाद हम खाने बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए फ्रेंच बीन्स, फंसी आलू की सब्ज़ी, ये सेव ले लिया है, एक बिना तीखा वाला मिर्च, रोटी। चलिए खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। चलिए मोटा मोटा इधर डाल दिया है, थोड़ा मोटा थोड़ा पतला इधर डाल दिए हैं कपड़ा। बादल आ गया वापस, धूप छाँव है, क्या है पता नहीं। चलिए मेरी फ्रेंड का मशीन ख़राब हो गया तो आई है वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े धोने। चलिए चाय आगे का काम करें हम। डाल दो अंदर। हाँ डाल दो, हम चालू कर देते हैं। सर्फ डाला हुआ है? नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 5 बज गए, हम वापस सो गए, इतना नींद चढ़ा ना, 4:30, 4:45 बजे सुबह सोए हैं, 9 बजे उठे हैं, फिर भी इतना नींद चढ़ा हुआ है। एक्चुअली नींद क्यों चढ़ा है, नींद नहीं हो रहा है तो सर्दी हो जा रहा है, सर्दी हो रहा तो उसके लिए छींक इतना आ रहा है कि हमको मेडिसिन लेना पड़ा सर्दी का, तो वो मेडिसिन हाफ ही लिया, उसके वजह से जो नींद चढ़ा है। जा रहे अपने लिए अदरक वाली चाय बनाएंगे जिससे नींद खुलेगा, क्योंकि हमको आज शाम को वहाँ भी जाना है बिहार विकास समाज में, दुर्गा माता का दर्शन करना है। वैसे कहने को आज सप्तमी है लेकिन दोपहर के बाद सप्तमी लगा है तो पट शायद कल खुलेगा। कल अभी दीदी ऐसे ही बोली थी कि सप्तमी कल है, उद्यतिथि के अनुसार कल मनाएंगे तो पट कल सवेरे खुलेगा, अभी क्या पता, ना कन्फ्यूज़न हो गया ना 9 दिन का। गरबा वाले तो आज सप्तमी मनाएंगे, जो पूजा करने वाले हैं वो कल सप्तमी मनाएंगे, अष्टमी परसों मनाएंगे, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। तो हम जाएँ जल्दी से, थोड़ा सा पहले चावल बना दें मेरे हस्बैंड जी के लिए। आटा दिन में रेडी कर दिए थे तो फ्रिज में रखा है, सब्जी में देखते क्या बना। बेटा भाई साहब उठ गया, कब से उठा है, हम सो गए थे अंदर, ये भी नहीं कि उठ के नहा लें फिर कुछ खा लें, पड़े हुए हैं वो फ़ोन चेक कर रहे हैं, भूख ही नहीं लग रहा उसको। तो चलें पहले अपने लिए चाय बनाते हैं जिससे कि थोड़ा नींद भगाएं, एनर्जी लाएं, और चावल का पानी चढ़ाते चावल धो के रखते हैं। जल्दी हम खाना बना लेते हैं फिर हम सोच रहे हैं आज साड़ी पहन के जाएंगे, वहाँ जाना है समाज में, तो अपने वहाँ के वहाँ पे क्या है ना, बिहार की ज़्यादा लेडीज़ होती है, बिहार की मैथिली साइड की, मिथिला साइड की, तो लोग सब साड़ी पहन के आती, सूट बहुत सूट नहीं पहनती, तो हम अकेले एक दो लोग ही रहते हैं जो सूट पहन के जाते, तो हम सोच रहे हम भी आज साड़ी पहन के जाए, तो जल्दी जल्दी की साड़ी पहनने में टाइम लगता है, आधा ज़्यादा रहा नहीं, पहले साड़ी पहनते झटझट पहन लेते थे, अभी बहुत कम साड़ी पहनते हैं, तो यहाँ से सेट करो वहाँ से सेट करो। चलिए पहले चाय बना के पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि नींद खोलना बहुत ज़रूरी है। हे भगवान, ये 9 दिन हमारा टाइम चेंज हो जाता है सोने का उठने का। देखिए यहाँ चावल डाल दिए हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे बैंगन आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे। सभी बैंगन आलू को छौंके हैं, थोड़ा अच्छे से ये हो जाए गल जाए तब टमाटर काट के डालेंगे और फिर मसाला डालेंगे। हो गया मेरा, हम अपने लिए चाय बना लिए हैं, तो चलिए जब तक ये गलता है चावल धीमे धीमे पकता है तब तक हम चाय पी लेते हैं। बाहर का वातावरण ऐसा है क्या बोले, एकदम माइल्ड हवा चल रहा है ना, वो शरीर में लग रहा है ना कुछ गर्मी, सुबह सुबह ठंडा अच्छा लग रहा था मौसम, अभी ऐसा किया हुआ है एकदम हल्का सा धूप दिखा फिर बादल फिर धूप दिखा फिर बादल। चलिए हम अपना चाय पीते हैं, अच्छा बना है, मेरा नींद खुले। सब्जी चावल हो गया है, जब तक सब्जी चावल होगा संध्या बत्ती का टाइम हो जाएगा, संध्या बत्ती दे देंगे
फिर साड़ी निकाले, ब्लाउज देखे ब्लाउज ढीला है टाइट है क्या है, फिर उस हिसाब से सेट करना होगा। चलिए चाय पीने के बाद ये भी काम निपटा लेते हैं, मिलते हैं बाद में चाय पीते पीते पीने के बाद। चलिए फ्रेंड्स आलू बैंगन की सब्जी, रोटी, थोड़ा सा चावल और मेरा ये निमकी माने नींबू का चार। हम एसी रूम में बैठ के खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी नहाने गए हैं, वो बोले मैं हॉल में खाऊंगा, तो उनको वहाँ रख के आ गए, पर उसके बेटा बाद में खाएगा, तो चलिए हम लोग खा लें क्योंकि उनको फिर जाना है, जैसे कि बोला था आपको, खा के फिर मिलते हैं आपको। चलिए फ्रेंड्स हम जाने वाले थे कि हम तैयार होके निकल भी गए थे, लेकिन बीच रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों घुटने में पैर मतलब एक्टिवा से जा रहे थे तो गाड़ी के बीच में बिल्ली आ गई, तो बिल्ली दोनों टायर के बीच में आ गई तो गाड़ी अनबैलेंस हो गया, तो हम पीछे साड़ी पहन के बैठे थे तो हम अनबैलेंस में मेरा साड़ी स्लिप हुआ, हम गिर गए, पीछे ये पीठ में छिल गया है, कंधे में लगा है, दोनों घुटने में लगा है, स्वेलिंग आ गया है। अच्छा सर में हल्का सा लगा था लेकिन उतना ज़ोर से नहीं लगा, लेकिन भगवान ने माता रानी ने बचा लिया, भगवान ने मेरे हस्बैंड जी को भी बचा लिया, जो लगा मेरे को लगा, मेरे को मंजूर है जो भी है दुख तकलीफ, लेकिन मेरे पति मेरे बच्चे पे आँच नहीं आना चाहिए, माता रानी ने इन दोनों को बचाया है। एक्चुअली मेरा बेटा नहीं गया था, हम और मेरे हस्बैंड गए थे, लेकिन माता रानी से हम हमेशा इन दोनों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि जो होना मेरे को हो जाए, मेरे पति बच्चे पे आँच ना आए। दोनों घुटने में लगा है, सोइलिंग हो गया है, मीन्स मेरा साड़ी फट गया है, लेकिन मेरे को घुटने में हल्का सा खरोच आया है, लेकिन लगा है जम के ना, तो सूजन हो गया है, तो वही आइस पैड से सेक रहे हैं, और पीठ में तो छिल गया है क्योंकि हम मुंह के बल गिरे थे और फिर रोल कर गए रोड में। अच्छा था पीछे से बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही, कार आ रही थी, वो लोग ने स्लो कर लेना तो कार मेरे ऊपर चढ़ जाता, बीच रोड में गिरे, मेरा चश्मा रोड में कहाँ गिरा पता नहीं, बीचों बीच रोड में गिरा, उसके ऊपर गाड़ी चल गई, मेरा चश्मा शहीद हो गया, भगवान ने बचा लिया। तो हम जाने वाले थे बिहार विकास के दुर्गा पंडाल में, वहाँ से माता रानी का फ़ोटो मतलब वीडियो लेते, लेकिन कोई बात नहीं, ये नवरात्रि मेरा ऐसे ही गया, शुरू से बीमार। आज सोचे थे कि गरबा करेंगे, डांडिया दो ताली तीन ताली करेंगे, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, पेन किलर खा लिए हैं तो कम है, लेकिन दर्द है, दिखाते हैं आपको, पीठ का तो नहीं दिखा सकते लेकिन हाँ दिखाते हैं। सूजा है पूरा, ये पूरा सूजा है, इसमें हल्का सा खरोच आया क्योंकि साड़ी मोटा पेटीकोट था ना, तो उसके तरह से साड़ी फट गया, बट ये पैर में छिला बहुत हल्का छिला है, बट घुटने के बल गिरे हैं ना, तो देखिए सोइलिंग हो गया है, ये देखिए पूरा सोइलिंग हो गया है, सूज गया है। ये वाली साड़ी पहन के गए थे, फोल्ड करके अभी रखा है, मेरा फेवरेट कलर था ये। आज मतलब ये नवरात्रि मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ है, शुरू से नवरात्रि स्टार्ट हुआ तब से बीमार, तीन दिन उसमें गया, कल से ठीक हुए तो ब्लॉग बनाना चालू किए, तो आज वापस गिर के, तो चलिए कोई नहीं, अभी हम जा रहे हैं सो जाएंगे, मेरे हस्बैंड जी को नीचे बुला ले, वो जाना नहीं चाह रहे थे, तो उनके फ्रेंड लोग ने बुला लिया, बोले मैं आ जाऊँगा आधे घंटे में, बोले आप जाओ कोई बात नहीं, हम दवाई खा लिए हैं, पेन किलर खा लिए हैं, अब सो जाएंगे। मेरी फ्रेंड आई थी तो वो बोली कि मैं कर लूँगी दुपट्टा लगाने, तो हम बोले नहीं लाओ ना, हम बैठे बैठे लगा देंगे, उसको दुपट्टा ड्रैप कर दिया, अभी वो गई, अब हम सो जाएंगे, तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड जी और मेरे को कुछ हुआ नहीं। चलिए ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि हमको अब इतना पेन हो रहा है ना कि थोड़ा सो जाएंगे तो अच्छा लगेगा।
और बेटा को कल जाना भी है कॉलेज, तो उसके लिए हमको उठना भी पड़ेगा जल्दी। चलिए कल मिलते हैं। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ मेरे को अच्छा अच्छा कमेंट्स करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में भी मदद करें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल, बाय बाय।